IMDC Arts and Literature Society के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में सकाफ़ती मेले का इनेकाद किया गया। मेले का मकसद नौजवानों में पाकिस्तान की सकाफत की अहमियत को उजागर करना था। तकरीब के मेहमान खसूसी उर्दू अदब के मशहूर शायर इफ्तिखार हुसैन आरिफ थे। मेले में तमाम सूबों बाशमूल गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के स्टॉल लगाए गए, जिसमें इलाकाई पकवान लिबास और मलबूसात मौजूद थे। तकरीब में तलबा और तालबात ने भरपूर शिरकत की और अपनी काबिलियत के जौहर दिखाए। मुझे ये फंक्शन देख के और उनके बहुत खुशी हुई है कि हमारे बच्चों ने माशाल्लाह परफॉर्मेंस अच्छी की है, और हम इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे कि उनके अंदर ये चीज़ भी अपनी डॉक्टरी के साथ साथ ये भी डेवलप होती रहे, क्योंकि एक कामिल इंसान के लिए ज़रूरी है सिर्फ अपने प्रोफेशन में नहीं गुम रहना चाहिए, उसे जो कुदरत के बाकी चीज़ें हैं जो टैलेंट्स हैं उनको भी डेवलप करना चाहिए। बहुत दिनों के बाद मैंने कोई ऐसी तकरीब देखी जिसमें बच्चे बच्चियाँ बराबर से शरीक थीं और ऑर्गेनाइज किया, म्यूज़िक डांस शेर सबका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी नहायत शाइस्तगी के साथ बहुत ही रकार के साथ पूरी तकरीब खत्म। मैं समझता हूँ कि ये एक मॉडल तकरीब है और नौजवानों को दूसरे जगह सीखना चाहिए कि तकरीबात कैसे होती है। जो हमारा मेन मोटिव था इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए वो ये था कि हम पाकिस्तान के जितने भी कल्चर्स हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। चूंकि हमारे 5 प्रोविंसेस हैं तो हमने 5 कल्चर्स को रिप्रेजेंट किया था और साथ में कश्मीर को भी इंक्लूड किया था, और सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे। इसमें डांस प्रेजेंटेशंस थी, टैबलोस थे, पोइट्री थी, डिक्लेमेशन थी और हिस्ट्री प्रेजेंटेशन थी अपने अपने कल्चर की। सब बच्चों ने जो है बहुत एंथुसियाज्म से अपना जो है वो काम किया है, और मतलब हर किसी ने जो है वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया है। डिफरेंट उनने जो है वो पोर्ट्रेट्स बनाई हैं, डिफरेंट मतलब आर्ट गैलरीज वगैरह उनने वो फोटोशॉप वगैरह की, उसके अलावा जो है वो उनने डिफरेंट डिशेज़ वगैरह बनाई हैं। IMDC की इंतजामिया हमेशा से ही अपने तलबा व तलबात के लिए ऐसी तकरीबात का इनेकाद करती रहती है जो ना सिर्फ उनकी जहनी तफरी बल्कि उनको सकाफत और उनकी तहजीब के साथ मुंसलिक रखती है। आज की ये तकरीब इस बात की गवाही है कि अगर नौजवान नस्ल को मौके दिए जाएँ तो वो इस तरह की खूबसूरत तकरीबात का इनेकाद कर सकते हैं।